बरकतों वाले महीने रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुर्दोनोज फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों ने रमजान बाजार ना लगाए जाने के हुकूमती ऐलान को गनीमत जानते हुए अवाम को लूटने के लिए कमर कस ली है। हर चीज की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जबकि सब्जी मंडी में जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई ना करने की वजह से दुकानदार मन मर्जी का रेट लगाकर अशिया फरोख्त करने में मसरूफ है। रमजान की आमद आमद है और बाज़ार में जिस तरह रमज़ान की आमद है उसी तरह रेट बढ़ते जा रहे हैं। किराने वाले, सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले सबको पाँच पाँच दस दस रुपये डेली के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा पैकेज बनाए और इन गरीब आवाम के लिए जो इनके घर तक पहुँचे और वो घर से ना निकले। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग बग़ैर कोरोना की परवाह किए हुए इस बाज़ार में आएँगे और अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए इन लोगों का साथ है। पहले रमज़ान में रमज़ान बाज़ार लगते थे, लोगों को रिलीफ मिलता था, खाने के लिए सब कुछ सस्ता था, कुछ दो चार रुपये पाँच रुपये कुछ रिलीफ था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के साथ तावन करें, कोई ऐसा पैकेज बनाए कि लोग इसको सर्वाइव करें। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने की वजह से गुजर बसर नागुजीर हो चुका है और ऊपर से बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत को चाहिए कि जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक, 21 न्यूज़, शेखपुरा।